हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी 17 दिसंबर 2018 हिंदी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर जो कि textbook.com से डाउनलोड किया है आपके सामने लाए हैं। आप इसको देखें और आगामी आने वाली रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए खुद को तैयार करें। यहाँ पर हमारा ये पेपर है लेवल 1 पोस्ट जनरल 2/2018 मॉर्निंग शिफ्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, रितेश ने 8 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाई, कुल औसत गति को 72 किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए अब 80 किलोमीटर की गति से कितने घंटे की गाड़ी चलानी होगी। इस प्रश्न पत्र में जो सही वाला है उसमें हमारा ग्रीन टिक लगा हुआ है। यहाँ पर हमारा कितना आंसर होगा, 12। अब हम इसको हल करते हैं। हल करने के लिए मान लो हमको क्या दिया है, औसत गति दी है। औसत गति कितनी दी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें 72 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है तो औसत गति या औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी जो हमारी इस 8 घंटे में चली गई दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा वाली, और दूसरी दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा वाली, जो कि उसमें हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हम कुल दूरी निकालेंगे तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो पहली क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, 8 घंटे हमारा समय हो गया और चाल क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर दूरी निकल आएगी 60 × 8, तो टोटल दूरी हमको लिखनी है। कुल दूरी मान लो पहले की D1, दूसरे की D2, पहले का समय T1, दूसरे का T2, औसत चाल हमको 72 दी हुई है, T1 भी 8 घंटे दिया हुआ है, हमें T2 निकालना है। D2 में हमको क्या, D1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे D1 निकालना है तो D1 निकालने क्या किया जाएगा, 8 × 60 मतलब समय गुणे चाल बराबर दूरी निकल आएगी। ऐसे ही D2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, D2 के लिए 80 दिया है, 80 × समय निकालना है तो समय हम लिख लेंगे, T2 मतलब समय निकालना है। अरे D2 दूरी निकालने के लिए समय हमको पता नहीं, तो समय की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, T2 × 80। तो यहाँ पर हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, 72 बराबर 8 × 60 प्लस T2 × 80 बटे T1 प्लस T2। T1 हमको दिया है कितना, T1 दिया है हमको 8 घंटे, तो T1 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 8। इसको जब हल करेंगे तो हमारा T2 आ जाएगा, T2 हमारा कितना आएगा, 12 घंटे। ऐसे ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक राशि 7.5% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष पर निवेश करने पर 4 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद रुपया 689 हो जाती है, निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमको क्या दिया है, यहाँ पर हमको R दिया है, R हमारा क्या है, 7.5%, ठीक। टाइम दिया है 4 ईयर, ठीक। और हमको क्या दिया है, टोटल हमको दिया है मूलधन प्लस ब्याज मिला के, हमको क्या दिया है, मूलधन को पी मान लिया प्लस ब्याज को हमने ब्याज मान लिया, क्या दिया है, 689, ठीक। तो यहाँ पर हमको, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे
दर गुणे समय बटे 100, तो ब्याज हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 689 माइनस पी, मूलधन पी है, गुणे 7.5 गुणे 4, और इधर क्या है 100, इसको जब कैंसिल करेंगे 4 25 6 100, तो 25 इधर आ गया, तो इसको जब सही से करेंगे तो क्या आएगा, तो हमारा क्या आएगा 689 माइनस पी बराबर 3 पी बटे 10, और जब इसको हल करेंगे तो हमारा पी का मान क्या आ जाएगा 530। ऐसे हमारा तीसरा क्वेश्चन, विद्युत धारा किसके बराबर होती है, विद्युत धारा किसके बराबर होती है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है आई बराबर पाई अपान टी, आई बराबर डब्ल्यू अपान टी, आई बराबर ओमेगा, आई बराबर ओमेगा अपान टी, आई बराबर क्यू अपान टी। तो हम यहाँ जानते हैं विद्युत धारा क्या होती है, आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो आवेश की दर क्या होगी, क्यू, क्यू होता है आवेश, क्यू होता है आवेश, आवेश की दर मतलब क्यू अपान टू आवेश की दर हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करके निर्णय लें कि प्रश्न के उत्तर के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। अब यहाँ पर हमको पहला कथन दिया हुआ है पी स्क्वायर माइनस 4 का मान ज्ञात करें, तो इसके लिए कथन एक दिया है पी बराबर पी अपान टू, क्या हमको दिया है पी अपान टू बराबर 5/7, तो यहाँ से डायरेक्ट पी का मान कितना निकल आया 10/7। ठीक, यहाँ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 729 दिया है, तो यहाँ पर पूछा गया है पी का मान निकालने के लिए कौन सा, मतलब इस समीकरण का मान निकालने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त होगा। तो इस समीकरण में केवल पी स्क्वायर माइनस 4 है, तो केवल ओनली पी का मान हमें प्राप्त होना चाहिए जो कि समीकरण का मान प्राप्त कर लेगा, तो यहाँ पर केवल कथन 1 हमारे लिए पर्याप्त होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा, केवल ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा, केवल 1। ऐसे ही यहाँ पर हमको एक तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है, इसके रासायनिक गुण निम्नलिखित में से किस तत्व के समान हैं, तो हमारा 15 है तो 15 तो हमारे पास क्या होता है, रासायनिक गुण जानने के लिए क्या होता है, 2 8 18 2 8 8 18 18 32 8 8 18 18 32, ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा, अगर जैसे देखा हमने नाइट्रोजन का कितना है 7, तो नाइट्रोजन में 7 में प्लस 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 15, यहाँ पर अगर 8 जोड़ोगे तो हो जाएगा 18, यहाँ पर अगर 8 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 12, हमको मानना यहाँ पर 8 जोड़ोगे तो हो जाएगा 16, ठीक। तो यहाँ पर अगर नाइट्रोजन में 8 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 15, तो जो रासायनिक गुण नाइट्रोजन के होंगे वही रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक 15 के होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो जहाँ पर यहाँ पर लिखा है अंडर रूट 4, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका ऑप्शन मान लो 2 सही है, तो इसका मतलब क्या होगा 81 की पावर 1/4। तो परिमेय संख्या वही होती है जिसको पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो और पी और क्यू दोनों पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अतः यहाँ पर जब इसको लिखा तो यहाँ 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 3 3 9 3 27 3 81 गुणे 1/4, तो 1/4 और 1/4 कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा, 3 को हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मतलब 3 को हम क्या लिख सकते हैं 9/3 भी लिख सकते हैं, जहाँ पर 3 हमारा पी अपान क्यू के रूप में इसको हम लिख सकते हैं।
ठीक, मतलब क्यू नॉट इक्वल टू जीरो भी होना चाहिए, जहाँ पर तीन हमारा जीरो भी नहीं है, ठीक, यहाँ पर इसका अगर इसको हल करने पर हमको तीन ही प्राप्त हो जाएगा, तो हमारी अपर यहाँ पर परिमेय संख्या कौन है, 81, रूट फोर 81 मतलब। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन अधिक अम्लीय विलयन होगा, तो यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं पीएच की जो वैल्यू है, पीएच की वैल्यू 0 से लेके 14 के बीच में अप्लाई करती है, जहाँ पर जो हमारी 7 वैल्यू होती है वहाँ पर 7 उदासीन होती है, ठीक, इसके इधर अम्लीय होता है, इसके इधर सारे तत्व तो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, तो जितना इधर बढ़ेंगे उतना अम्लीयता आएगी, जितना इधर बढ़ेंगे उतना क्षारीयता आएगी, 7 उदासीन होगा, तो यहाँ पर पीएच 0 विलयन सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, ऐसे ही दिया हुआ है, ये कथन कारण वाला दिया हुआ है, कुछ कटोरियाँ टोपियाँ थीं या नहीं थीं, जल्दी करते नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा, ऐसे ही ये भी कथन कारण निष्कर्ष वाला दिया है, ये दिया है एक धातु एक दूसरे को उनके अनुसार विस्थापित कर सकते हो, यहाँ पर भी क्या है प्रतिक्रियाशीलता होगा, क्वेश्चन नंबर, यहाँ दो निकायों के बीच कौन सा बल लगेगा, हमेशा बराबर और विपरीत बल लगता है, न्यूटन का थर्ड लॉ बल। ऐसे ही यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक वेद नहीं है, तो हमारे पास केवल हमारे पास नहीं हमारे केवल 4 वेद हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, तो यहाँ पर कृष्णावेद कोई वेद ही नहीं है, तो यहाँ पर कृष्णावेद नहीं होगा। ऐसे यहाँ पर दिया 10 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड वेग से वेग के साथ गतिमान है, वस्तु में गति ऊर्जा कितनी होगी, अच्छा इसको और देख लो, फिर बकाया हम क्वेश्चन हल नहीं किया करेंगे, केवल केवल उसके आंसर बताएंगे, नहीं तो पूरा वीडियो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पर हम जानते हैं गति ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv², जहाँ पर m है द्रव्यमान और v है क्या, v है हमारा वेग, अब इसका मात्रक होता है जूल, ठीक, गति ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल, m की जगह पर हमने 10 रख दिया, अब v की जगह पर 4 रख दिया, 4 का वर्ग किया तो 10 × 4 = 16 × 10 = 160, 160/2 = 80, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 80 जूल। यहाँ पर एक कार विरामावस्था से चलना शुरू करती है, एक सीधी सड़क पर 8 सेकंड के लिए 3 मीटर/सेकंड की दर से त्वरण करती है, अच्छा इसको भी देख लो, एक कार विरामावस्था से चलना शुरू करती है और एक सीधी सड़क पर 8 सेकंड के लिए 3 m/s² की दर से त्वरण करती है, इस दौरान कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, तो यहाँ पर हमको पता है विरामावस्था पहले ही लिखा है, तो मतलब विरामावस्था में मान लो हमारा विरामावस्था का वेग u हो गया इनिशियल वेग, तो इसको हम 0 कर दिया, और एक सीधी सड़क पर चलती है 8 सेकंड के लिए चलती है, तो t बराबर क्या हो गया, 8 सेकंड हो गया, ठीक, इसके बाद में हमारा त्वरण दिया है, एक्सीलरेशन क्या दिया है 3 m/s², इसमें पूछा क्या गया है, तय की गई दूरी ज्ञात करो, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है एक समान त्वरण के लिए फार्मूला बनाया गया है, 4 फार्मूले, इसमें से एक फार्मूला ये है s = ut + ½ at². अब यहाँ पर u 0 है तो ut की मतलब मल्टीप्लाई होगा जाए 0, तो यहाँ पर केवल s = ½ ut ½ at² बचेगा, क्या बचेगा, s = ½ at², यही हमारी क्या होगी डिस्टेंस, s हमारा क्या विस्थापन बोला जाता है सीधी रेखा के लिए, वही सीधी रेखा में जो भी विस्थापन होता है वही हमारी क्या होती है दूरी होती है, ठीक है, तो सीधी रेखा के लिए a हमारा कितना दिया था 3, t हमारा था 8 सेकंड, तो इसका विस्थापन आएगा 8 सेकंड, तो 8 क्या हो जाएगा 8 × 8 = 64, गुणे a 3 है तो 3/2, ये m/s² था, ये था sec × sec² तो क्या बच जाएगा, केवल मीटर बच जाएगा, यहाँ पे मीटर बच जाएगा, तो क्या हुआ 64 का आधा किया तो क्या आया 32 × 3, तो
तो पूरा आंसर क्या आ जाएगा, 96 इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे हम हल नहीं करेंगे, केवल आंसर और प्रश्न थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, पूरा पेपर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक। नहीं तो इसमें ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15, 18% व्यस्त समय के साथ टैक्सी का किराया ₹531 होता है, विचार में बिना भुगतान की राशि ₹450, ये भी गणित का सवाल है, ये श्रृंखला का सवाल है। देखो 11, 9, 7 आगे 5 आएगा, इसे 16, 18, 20 आगे 22 आएगा, PQR RSTUV, तो V आएगा, इसे देखो 5 का ए सही हो गया, 16 का ए सही हो गया। इसी तरीके से निम्नलिखित में से किस खेल में बड़ी और ईगल शब्द का प्रयोग, बर्डी और ईगल शब्द का प्रयोग किया जाता है, गोल्फ। ऐसे ही इसका देखो, इसमें केवल घटाना है सिंपल, पहला आंसर सही हो गया इसमें। इसमें दिशा का ज्ञान होना जरूरी है, दिशा का ज्ञान होने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इस तरीके से ग्राफ बना लेना चाहिए, ऊपर को हमेशा उत्तर होता है नॉर्थ, इधर को हमेशा पूर्व होता है ईस्ट, इधर को साउथ होता है, इधर को पश्चिम होता है वेस्ट, और यहाँ से हमेशा चलना प्रारंभ किया करें। बस ऐसे चलोगे आराम से सवाल का उत्तर आ जाएगा, इसमें उत्तर पूर्व आ रहा है। इन भुजाओं वाले एक बहुभुज में कितने किनारे होते हैं, तो सिंपल है, जितनी भुजाएं होंगी उतनी किनारे होंगे। यथा फरवरी 2018 में बच्चों की फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं मुकेश खन्ना। ऐसे ही चित्र में दर्पण की छवि को पहचानिए, बी आंसर। ऐसे ही यहाँ पर देखो ढाल दिया गई है, मतलब रेखा में ढाल के मान को ज्ञात करना है, तो यहाँ पर दो कामा एक से गुजरने वाली रेखा की पूर्णता, यहाँ पर दोनों के बिना ढाल नहीं ज्ञात की जा सकती है, तो यहाँ पर दोनों सही होंगे। निम्नलिखित में किसकी मौत की सज़ा कम करने के लिए शक्ति होती है, तो वो केवल शक्ति राष्ट्रपति के पास ही होती है। यहाँ पर देखो इसको हल किया गया है बोर्ड मॉस के द्वारा, पहले भाग हल करा जाएगा, फिर गुणा हल करी जाएगी, फिर इसको जोड़ दिया जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 272। यहाँ पर देखो 4 वर्ष बाद और फिर उसकी आयु 48-46 है, इसको भी हल कर लिया जाएगा, 14 वर्ष आएगा। इसमें श्रमिक वाला है, एक श्रमिक कितने दिन में ये काम करता है, दूसरा ये, तो दोनों मिला के या एक एक मिला के कितना काम करेंगे। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित किस में गलत युग्म का चयन करें, अब देखो यहाँ पर गलत युग्म आ गया, गलत युग्म में हमें पता है नींबू में अम्ल होता है, जठर में अम्ल होता है, HCl होता है, अम्ल वर्षा में भी अम्ल होता है, जो कि अम्ली हमारे कहाँ से होते हैं, 7 से इधर के अम्ली होते हैं, 7 से उधर क्षारीय होते हैं, 7 उदासीन होता है, तो यहाँ कास्टिक सोडा जो कि क्षारीय होता है उसका मान pH 5 दिया है, जो कि हमारा गलत होगा, तो यहाँ पर गलत मान क्या होगा, कास्टिक सोडा। नीचे दी गई आकृति में कितनी रेखाओं का उपयोग किया गया है, 19 रेखाएं। निम्नलिखित चित्र दर्पण का प्रतिबिंब क्या होगा, बी वाला। फिर कथन कारण आ गया, फिर करंट का आ गया। एक बाल प्रसिद्ध फिल्म ब्लू अम्ब्रेला को विशाल भरद्वाज द्वारा निर्देशित किया गया। फिर ये शंख वाला आ गया, हाँ शंख वाला जरूर देख लो, शंख का मतलब वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये मान लो हमारा शंकु बना है, ठीक, इसकी ये त्रिज्या आर है, डायरेक्ट लंबाई एल, डायरेक्ट लंबाई एच, तो इसका जो वक्र पृष्ठ होता है πrl, संपूर्ण वक्र पृष्ठ होता है तो πr² + πrl, ठीक। इसका वॉल्यूम मतलब आयतन क्या होगा, 1/3 πr²h, बस इन सब सूत्रों को मिला के आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको कथन कारण वाला क्वेश्चन दिया है, फिर कथन कारण वाला क्वेश्चन, फिर किसका जन्म 1961 में हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर का। फिर भारतीय सेना के रक्षा वेतन पैकेज पर सेना और किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, भारतीय स्टेट बैंक। ये चित्र वाला है, आकृति प्रतिस्थापित करने वाला।
कथन कारण के बहुत सवाल दिए जाते हैं, तो कथन कारण को आप बहुत ध्यान से पढ़ के जाना। दिशा वाले भी एक दो सवाल आ जाते हैं। इसके बाद गणित, सिंपल गणित आती है लगभग, ज़्यादा कठिन गणित नहीं आती है इसमें। इसमें साइंस के भी सवाल आते हैं। जूल प्रतिकूलाम जैसा है, जूल प्रतिकूलाम मतलब जूल प्रतिकूलाम W अपॉन Q, जूल प्रतिकूलाम क्या होगा, वोल्ट होगा। तो इसमें पहला आंसर दिया ही है। आधार कार्ड का इसमें देखो पूरा नाम पूछ लिया गया है। इसमें 88 दिन लगे पुरुष का कार्य पूछ लिया गया, 6/7। इसमें ये देखो केमिस्ट्री का, प्योर केमिस्ट्री का सवाल आ गया, 0.4 एटम। आपको दिए गए कथनों का कथन और कारण वाला फिर क्वेश्चन आ गया। निम्न में से कौन तंत्रिकोशिका का भाग नहीं है, तो सैक्रोलेमा तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है। ये हमारा रीजनिंग का आ गया। ये एक संतान, ये प्योर बायोलॉजी, एक संतान का लिंग निम्न में किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, तो नर युग्म के द्वारा, क्योंकि मादा युग्म में केवल क्या होता है, XX होता है, आखिरी 23वां जोड़ा, ठीक। और नर युग में क्या होता है, XY होता है। Y हमारा क्या होता है, निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है, नर का। X हमारा XX हो जाएगा तो मादा हो जाएगा, XY हो जाएगा तो नर हो जाएगा। इनका दोनों का जब संयुग्मन किया जाएगा तो हाफ हाफ हो जाएगा, आधे आधा मतलब नर पुरुष होगा, आधा महिला पुरुष, 50-50% का। तो वाई जो होता है नर युग्म का DNA होता है, मेन DNA XY। यहाँ पर भी यदि युग्मज में संयोजन तो बच्चा नर होगा, सीधे सीधे XY, जबकि इस क्वेश्चन को हटा दिया गया है। बॉक्साइट की खाने उड़ीसा, जनरल क्वेश्चन भी आए हैं, मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग, फिर ये त्रिपुरा विप्लव के करंट का क्वेश्चन। करंट में अभी इस साल जो हमारे 5 प्रदेशों में चुनाव हुए थे, उनके मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी, ये ज़रूर एक बार देख लेना, ठीक। देखो 2018 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली थी, करंट का सवाल था, विप्लव कुमार देव ने ली थी, इसमें पूछ दिया गया। इसी तरीके से जो उत्तराखंड, अपने यूपी, पंजाब, इन सब का चुनाव हुआ है, इनका जरूर जरूर मुख्यमंत्री एक बार देख जरूर लेना। निम्नलिखित में कौन सा असमान गति का उदाहरण है, एक पार्क में जॉगिंग करता हुआ व्यक्ति असमान गति से चलेगा फिर रुक जाएगा, भीड़ से भरी हुई सड़क पर चल रही कार तो उसमें ब्रेक लगाना पड़ेगा, 800 मीटर की रेस में दौड़ता हुआ एक आदमी थक जाएगा तो रुक जाएगा, एक छत के पंखे ब्लेडों का घूर्णन जब तक लाइट रहेगी तब तक वो एक समान रूप से घूर्णित करेंगे, तो ये समान है आवृत्ति गति हो गई, ठीक। बकाया सब कैसी हैं समान गति हैं। यदि कोई वस्तु अनंत पर है तो उत्तल लेंस के कारण निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो अनंत से आने वाली वस्तु या आने वाली प्रतीत होने वाली वस्तु, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर ही बनता है। फिल्म मेरी काम, प्रियंका चोपड़ा, इसमें आकृति गिननी है त्रिभुज की, डायरेक्ट आकृति गिन लो, इसकी दो आकृति गिन के इसको फिर एक त्रिभुज बना लो, बस 8 आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर ये वाला पूरा 8। शिरोमणि अकाली दल पंजाब, मेघालय मिजोरम, एक समकोण त्रिभुज 14, इस त्रिभुज के परिवर्त का क्षेत्रफल बहुत सरल है, समकोण त्रिभुज बना लो, उस पर परिवर्त बना लो, उसका हाफ कर दो त्रिज्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर से निकाल लो, मतलब ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, ये हमारी दी है 14.14√2, इसका परिवर्त ये हो गया, ये इसका व्यास हो गया, तो पाई स्क्वायर से निकाल लो, पाई बराबर 22/7 दिया, आर का मान हो गया 7√2, आंसर आ जाएगा इसका। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे पद से संबंधित होना चाहिए, जैसे विनम्र, निष्ठुर, अपवेच्छा, संज्ञान, ये पाइप और टंकी वाला क्वेश्चन, ये रिलेशन वाला, प्रकाश नीलेश का भाई, प्रकाश की एकमात्र बहन है, पिता पत्नी, सीधे डायरेक्ट आ गया बेटा, ठीक। कथन कारण विकल्प ट्रिग्नोमेट्री भी घुसेड़ दी है इसमें, 1+cos θ / 1+sin θ, जब इसको हल करेंगे 1+1 को कर देंगे cos² θ/2 + sin² θ/2 + cos
थीटा को लिख देंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ऐसे ही नीचे टू का साइन थीटा बाई टू हल करेंगे आराम से, इसका साइन थीटा अपान वन माइनस कॉस थीटा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये हमारा द्विघात समीकरण का सवाल है, जहाँ पर के की वैल्यू का बताया गया किस किस के बीच में होनी चाहिए, के जीरो से के बीच में। जब यहाँ पर के का मान निकाला जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए फोर ए सी अपन टू ए वाला फार्मूला लगा कर तब निकल आएगा। ग्रेट इंडियन डिजर्ट है थार का मरुस्थल, 10 के गुणक वाली सबसे छोटी संख्या है, 10 का गुणक निकालने के लिए पहले सबसे छोटी इसका पहले वो लिया जाएगा पूरा, इसके गुणक निकाले जाएंगे अभाज्य गुणक, अभाज्य गुणक कितने हैं उनको आपस में जोड़ के गुणा करके जोड़ा जाएगा तो आराम से निकल आएगा। ये राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारतीय पुरुषों की हॉकी टीम का स्थान है चौथा। क्वेश्चन नंबर 73, आकृति में क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाएँ हैं, कौन सी संख्या वर्गमूल का अपरिमेय है, मेघालय शिलांग असमपुर दिसपुर, ये देखो राजधानी पूछ दी गई। ये इसमें निम्नलिखित में आयताकार संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, आयताकार संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, ये हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन वाला सवाल पूछ दिया गया, उससे रिलेटेड सवाल है, जबकि है सिंपल, इसको लगा लोगे आराम से। ध्वनि की वह विशेषता जिससे एक समान प्रबलता और पिच दोनों ध्वनियों के बीच का अंतर बताया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, गुणवत्ता। तारापुर महाराष्ट्र, ये हमारा कौन सा सवाल है, इसका सवाल आ गया त्रिभुज वाला। कोशिकाएं हैं क्या अस्थि बना होता है, विकृत विज्ञान दिए गए 81, 4 घंटे लेता है, पाइप और टंकी वाला सवाल, 2 सवाल पाइप और टंकी के आ चुके हैं इसमें, चौथा सवाल आकृति वाला है। कोवाल्ट तांबा सल्फर इसको मिलाना है, तांबा को क्या कहते हैं, सल्फर को क्या कहते हैं, सोडियम को Na कहते हैं, तांबा को Cu कहते हैं, सल्फर को S कहते हैं, कोवाल्ट को Cu कहते हैं। निषेचन में होता है, निषेचन में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होती है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी, उस समय तक आदर्श गैसों की खोज नहीं हुई थी, जिस समय मेंडेलीव की आवर्त सारणी आदर्श गैसों की स्थिति क्या थी, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में आदर्श गैसों की खोज नहीं हुई थी। ब्यूटाइन, ब्यूटाइन क्या है, Ne9 ट्रिपल बॉन्ड वाला बनेगा, C4H6 ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तभी हाइड्रोजन कम हो जाएंगे C4H6, ठीक, एक ट्रिपल बॉन्ड बनेगा Na9, ठीक। कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, आवर्त सारणी में पंक्तियों का, देखो केमिस्ट्री का सीधे सवाल आ गया, सारणी में पंक्ति में बाईं ओर विद्युत धनात्मकता क्या बढ़ती है और वो घटती है। ये था फरवरी में क्या था, दीपक मिश्रा, 2018 में मुख्य न्यायाधीश कौन थे, दीपक मिश्रा थे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 247, जो 1500 पर इसको आराम से एलसीएम लेके बना सकते हैं। एक व्यक्ति 8 से 10 केले खरीदता है, ये केले बेचे जाएंगे, ये सामान्य सवाल है, ये भी बाढ़ मास का सामान्य सवाल है। एक सतह पर एक वस्तु द्वारा लगाया गया प्रणोद थ्रस्ट किसके बराबर होता है, वस्तु के भार के बराबर होता है। पाइप टंकी का सवाल, पथेर पंचाली विभूति भूषण बंद्योपाध्याय द्वारा लिखी गई है पथेर पंचाली। अमित और पंकज, अमित के पास इतना इसको आराम से कुल मिलाकर निकालना है, गणित का सवाल, सिंपल सवाल। गौरी लंकेश जिसे 2017 में गोली मार दी गई थी, किस राज्य से थी, कर्नाटक राज्य से थी। एक साइकिल सवार, 45 का लघुत्तम समाप्त प्रवर्तक, आराम से इसको हल हो जाएगा। ये हमारे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के 100 सवाल आएंगे जो कि ऑनलाइन होंगे। ये हमारा 2018 का पेपर था, आप लोगों के सामने मैंने दिखाया, आप लोग इसको देख के इसके अनुसार ही पढ़ाई करें, जो कि आने वाली आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में अच्छी सफलता हासिल करें। धन्यवाद।